तो ये दो बोर्ड नए आए हैं, बहुत ही शानदार बोर्ड हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। तो आपको देख रहे होंगे, ये आप पहचान गए होंगे शायद, ये है 300 वाट मोनो एम्पलीफायर बोर्ड। तो खैर इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वालिटी तो दिख ही रही होगी ऑलरेडी। बाकी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसकी हीट सिंक। ये देखिए इसकी जो हीट सिंक है, ये हमने काफ़ी हैवी यूज़ करी है जिससे ये ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट ना करें, क्योंकि जो 2SC5500 है वो ऑलरेडी इसका नेचर है कि वो थोड़ा सा हीट करता है जब चलता है, ठीक है, या ज़्यादा ट्रांजिस्टर हीट करते ही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इतनी हैवी हीट सिंक दी है, जिसमें आगे भी इसमें लगा हुआ है ये एयर वेंट जिससे ठंडा जाए, मतलब यहाँ से जल्दी ठंडा होता है, ऐसे पीछे भी लगा हुआ है, दोनों साइड लगे हुए हैं जिससे कि जो ट्रांजिस्टर है आपके ज़्यादा हीट ना हो। और बोर्ड में कोई कंजूसी नहीं करी गई है, पीसीबी देखिए कितनी बढ़िया बनवाई हुई है पीछे से, आप देखेंगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में सोल्डरिंग वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो जो सबसे बड़ी इसमें जो खास बात है वो ये है कि इसमें ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं करे हैं बीच में, जो ये क्या होता है जो इन ट्रांजिस्टर को पावर देते हैं वो ये वाले ट्रांजिस्टर्स होते हैं दोनों, ठीक है। इन दोनों ट्रांजिस्टर की जगह जो ज़्यादातर लोग हैं वो छोटे छोटे इतने इतने से ट्रांजिस्टर लगा देते हैं इस टाइप के, ठीक है, आपको मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, इस टाइप के ट्रांजिस्टर लगा देते हैं जिससे कि इन वाले जो मॉस्फेट हैं, ये जो ट्रांजिस्टर हैं सॉरी, इनका अच्छा आउटपुट नहीं आता है। तो मैं आपको एक बार ट्रांजिस्टर का नंबर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए D718 और B688, ठीक है। ये दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं ये आपको, आप कभी किसी कोई कार एम्पलीफायर ओपन करेंगे, कार एम्पलीफायर के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये दोनों ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे जो कि सबवूफर को पावर करते हैं। तो इसमें इसलिए पावर इसकी 300 वाट से भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें ये जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं ये दोनों मिलकर भी 100 वाट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 150 वाट 150 वाट 300 वाट और 100 वाट ये भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें अच्छा ट्रांसफार्मर और अच्छा प्री एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आउटपुट देने वाला है आपको। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, ये दोनों ट्रांजिस्टर आपको कार एम्प के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि जैसे डुअल चैनल अगर है तो ये आपको 4 देखने को मिलते हैं, तो इससे आप क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर भी हमने एक IC यूज़ कर रखी है, ये मैं आपको इतना कुछ नहीं बताऊँगा वरना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी। तो इसमें आप 30-0-30 का ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं, 30-0-30 का ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं या 35-0-35 भी यूज़ कर सकते हैं, और 6 से 10 एम्पीयर का। अगर आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट चाहिए, बहुत अच्छा बड़ा सबवूफर चलाना चाहते हैं, तो आप इसमें 35-0-35 10 एम्पीयर तक का ट्रांसफार्मर लगाइए। और बाकी अगर आपको नॉर्मल स्पीकर्स वगैरह चलाने तो 30-0-30 6 एम्पीयर तक काफ़ी रहता है। तो ये था ये बोर्ड, इसके चलाने की, इसको क्या कहते हैं, इसको चलाकर दिखाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो अब दूसरा जो बोर्ड है वो है ये देखिए, ये 4 टोन में प्री एम्पलीफायर बोर्ड है। 4 टोन का मतलब है कि इसमें आपको मिड भी मिल जाता है। तो इसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर मिड बेस ट्रिबल का बोर्ड लाइए जिसमें मिड भी हो, तो ये हमने निकाल दिया है बोर्ड। अब इसको आप बाय कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, इसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों की, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इस बोर्ड की क्या खासियत है, इस बोर्ड में हम आपको कनेक्टर्स भी वैसे प्रोवाइड करेंगे, और इसमें भी जो ये कनेक्टर है यहाँ से ऑडियो इनपुट जाता है, इसका भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस बोर्ड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12012, तो यहाँ पर आपको 12012 का ट्रांसफार्मर लगाना है डायरेक्ट। इसको आपको DC में, जैसे जो भी हमारा प्री एम्पलीफायर था पुराना वाला, उसमें आपको क्या करना पड़ता था कि पहले ट्रांसफार्मर से AC को DC में कन्वर्ट करके फिर इसमें लगाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन इसमें आप डायरेक्ट AC दे सकते हैं, AC वोल्टेज दे सकते हैं, 12 वोल्ट 12012 का ट्रांसफार्मर डायरेक्ट आप इसमें लगा सकते हैं, और यहाँ से आपका आउटपुट निकलता है और यहाँ से आपको इनपुट देना होता है, ठीक है। तो इस बोर्ड में, इस बोर्ड की भी हम चलाने की वीडियो डाल देंगे अलग से। तो इस बोर्ड में ये खासियत है जो मैंने आपको बताई कि इसमें एक तो आपको AC करंट दे सकते हैं डायरेक्ट, DC की ज़रूरत नहीं है, बाकी इसमें मिड भी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मिड पास, बैंड पास, ये यहाँ पर ये है बेस, ये मिड कंट्रोल है, ये ट्रेबल कंट्रोल है, और ये वॉल्यूम कंट्रोल है। और आपको खैर क्वालिटी तो देखकर ही चल जाती है पता कि कंपोनेंट्स इसमें कैसे लगे हुए हैं। तो ये पीछे से आप देख सकते हैं इस बोर्ड को। तो ये जो बोर्ड है इसकी भी लिमिटेड स्टॉक है, अभी कुछ ही पीस पड़े हुए हैं। तो इसको भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप दोनों में से कोई सा भी बोर्ड जो बाय करना चाहते हो वो बाय कर सकते हो। बाकी इन दोनों को चलाने की वीडियोज़ या किस तरह का इनका आउटपुट है उसकी वीडियो, इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको मैं इसको चला कर दिखाऊंगा।